गोल्ड की प्राइस 72,000 पर चली गई, क्रूड ऑयल 12% से गिर गया, शुगर पर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ऐसी कमोडिटी के अराउंड बहुत सी हेडलाइंस हमें हर रोज दिखती है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप कमोडिटीज के सेक्टर के तरफ एक्सपोजर कैसे ले सकते हैं? हर एक न्यूज़पेपर में कमोडिटीज के लिए एक अलग सेक्शन होता है जहां पर आपको ऐसी हेडलाइंस दिखती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप कमोडिटी सेक्टर में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? और क्या आपने किसी कमोडिटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है? अगर किया है तो फटाफट कमेंट करके बताइए किस में, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको एक नहीं बल्कि 3 तरीके बताएंगे कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने के। वीडियो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल और लर्निंग से भरा होने वाला है, इसीलिए इसको एंड तक देखना। मैं आदित्य अय्यंगार CFA आपका स्वागत करता हूँ मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहाँ हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। कमोडिटीज जो है ना, वो पूरे देश की जान होती है। कई सारे कमोडिटी बिजनेसेस होते हैं जो इसके बिना सर्वाइव ही नहीं करेंगे। इनफैक्ट कई सारे सर्विसेज बिजनेस भी इस पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि कमोडिटी प्राइसेस की वजह से इनके अर्निंग्स पर इंपैक्ट आता है। तो जाहिर सी बात है, ये देखकर आप भी सोच रहे हैं कि अगर हमें कमोडिटीज की तरफ एक्सपोजर बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको लगता है कि कॉटन का भाव बढ़ने वाला है क्योंकि इस साल फसल इतनी अच्छी नहीं थी और लिमिटेड सप्लाई की वजह से प्राइस पर अपवर्ड प्रेशर आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपके इस बिलीफ को एग्जीक्यूट करने कोई ना कोई मेथड होने चाहिए ना। इन मेथड्स को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट और रिस्की मेथड कवर कर लेते हैं, और ये हम पहले इसीलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो तो प्लीज इस मेथड को बिल्कुल भी ट्राई करने की कोशिश मत करना। ये होता है कमोडिटीज फ्यूचर्स। भारत का जो कमोडिटी एक्सचेंज है यानी MCX, यहाँ पर हर एक दिन अलग अलग फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, पाम ऑयल, कॉटन, गोल्ड एक्सेट्रा। अब ये बहुत ही ज्यादा लिक्विड और इजीली एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले ये जो सारे डेरिवेटिव्स होते हैं ना, इनकी एक फिक्स्ड एक्सपायरी होती है। जैसे मान लो गोल्ड के फ्यूचर्स, इनकी एक एक्सपायरी डेट होगी। अगर आपको गोल्ड के फ्यूचर्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने हैं तो आपको बार बार इन्हें रोल ओवर करना होगा, जिसके लिए लगेगा काफी सारा कैश। टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि ये चीज करने के लिए लगते हैं बड़े ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। इसके साथ आप अगर डेरिवेटिव से प्रॉफिट कमाते हो तो इसे बिजनेस इनकम माना जाता है और इसे कैपिटल गेन्स की तरह टैक्स नहीं किया जाता। तो मान लीजिए आप 30% के इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हो, तो यहाँ से आपकी जो भी कमाई होगी आप उस पर 30% टैक्स दोगे, ना कि कैपिटल गेन्स जो 10-15% के बीच होता है। दूसरी चीज जो आपकी रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, ये है इम्प्लिसिट लेवरेज। इसका मतलब होता है कि आप छोटी अमाउंट देकर एक बहुत बड़ी पोजीशन बनाते हो। गोल्ड फ्यूचर्स की एग्जांपल देखिए, जो गोल्ड का मेन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसका लॉट साइज होता है 1 किलो, यानी आप एक साथ 70 लाख रुपए का सोना ले रहे हो, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए आपको मिनिमम सिर्फ 7 लाख रुपए की जरूरत है। तो अगर गोल्ड में 1% का प्राइस चेंज होता है तो आपके 7 लाख रुपए की मार्जिन पर 10% का चेंज होगा। तो इससे क्या होता है कि आपके प्रॉफिट्स और आपके लॉसेस दोनों मैग्नीफाई हो जाते हैं, मतलब एकदम दो धारी तलवार वाला सीन। अगर 1 किलो गोल्ड की प्राइस में 1% का चेंज आता है तो 70 लाख रुपए पर 1% यानी 70,000 रुपए, यही सेम चीज आपके लिए 70,000 रुपए का प्रॉफिट होगी। आपने ये पोजीशन सिर्फ 7 लाख रुपए डालकर बनाई तो आपके लिए ये 10% का प्रॉफिट है। सिमिलरली अगर गोल्ड की प्राइस 1% से नीचे जाती है तो आपके लिए ये 10% का लॉस भी है। शॉर्ट में बोले तो ये बहुत ज्यादा रिस्की है और ये प्योरली एक्सपर्ट टेरिटरी है। यहाँ पर सिर्फ तब जाना चाहिए जब आपका बाकी सारे सेगमेंट्स में सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो। एनीवे, कमोडिटी एक्सपोजर पाने का सबसे डिफिकल्ट और रिस्की तरीका तो हमने देख लिया, तो इसे साइड में रखते हैं। अब आते हैं दूसरे तरीके की तरफ जो थोड़ा और वायबल है। ये एक ऐसा तरीका है जिसे इंटरमीडिएट लेवल से बिगिनर लेवल के इन्वेस्टर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब चलिए कमोडिटी स्टॉक्स को डिफाइन करते हैं। ऐसी सारी कंपनीज जो कमोडिटीज के मैन्युफैक्चर, रिफाइनरी या फिर ट्रेडिंग में एंगेज है वो, या फिर कुछ ऐसी कंपनीज जो कमोडिटीज पर हैवीली डिपेंडेंट हो। लेकिन इन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि आपको आपकी रिसर्च में कुछ और फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। आपको ये देखना है कि आप जिस कमोडिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो साइक्लिकल है या नहीं, यानी ओवरऑल इकोनॉमी में जब रिसेशन और एक्सपेंशन की साइकिल्स चलती है तब ये कमोडिटी अपने प्राइस में ये फ्लक्चुएशंस रिफ्लेक्ट करती है या नहीं। साइक्लिकल कमोडिटीज जो है वो रिसेशन के टाइम अंडर परफॉर्म और एक्सपेंशन के टाइम आउट परफॉर्म करेंगी, लेकिन नॉन साइक्लिकल कमोडिटीज की परफॉर्मेंस मोर और लेस फ्लैट होती है विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक साइकिल। इसी के साथ आपने सीजनैलिटी पर भी ध्यान देना है। कॉटन की एग्जांपल देखिए, समर्स में कॉटन की प्राइसेस पीक पर जाती है और विंटर्स में गिरती है। एंड ऑफ कोर्स इलास्टिसिटी को कैसे भूल सकते हैं।
कुछ ऐसी कमोडिटीज होती है जिनकी प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से उनकी डिमांड सीवियरली अफेक्ट होती है। इन्हें बोला जाता है इलास्टिक कमोडिटीज। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी कमोडिटीज भी होती है जिसका प्राइस से और डिमांड से कोई लेना देना नहीं होता। प्राइस कितनी भी ऊपर या नीचे जाए, इनकी डिमांड कॉन्स्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए सॉल्ट, नमक अब 10 रुपए का हो या 1000 रुपए का, आपके खाने में तो वो डलेगा। इसे बोला जाता है इनइलास्टिक कमोडिटी। तो जब आप एक कमोडिटी के प्राइस ट्रेंड्स को पढ़ रहे हैं या फिर एक कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं, तब आपको आपके सारे बाकी फैक्टर्स के साथ साइक्लिकलिटी, सीजनैलिटी और इलास्टिसिटी को भी स्टडी करना है। इससे होगा ये कि अगर आपको ऑलरेडी रिसर्च करने कुछ टाइम लग रहा है तो वो बढ़ जाएगा। अब चलेंगे सबसे आसान तरीके की तरफ, जो है कमोडिटी फंड्स। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें कमोडिटी एक्सपोजर तो चाहिए लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स या कमोडिटीज के ट्रेंड्स को रिसर्च करने का टाइम नहीं है या फिर बस मन नहीं करता। ये फंड्स बेसिकली एक पर्टिकुलर कमोडिटी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करती है या फिर उस बेंचमार्क को मैच करती है। जैसे मान लीजिए कोई कमोडिटी इंडेक्स, जैसे भारत में एक इंडेक्स है कॉल्ड निफ्टी कमोडिटीज इंडेक्स। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो भारत की सारी कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप एक एक्टिवली मैनेज्ड कमोडिटीज फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो इस इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेगी। और यहीं पर दूसरी तरफ अगर आप एक कमोडिटीज इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो ऐसे एक इंडेक्स के रिटर्न को मैच करने की कोशिश करेगी। एक और बड़ा फर्क जान लीजिए कि जो सारी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स होती है वहां पर एक्टिव रिस्क भी एग्जिस्ट करती है। यानी देखिए, एक फंड मैनेजर होता है, वो उन सारे सेक्टर्स को ओवरवेट करेगा जो उसे लगता है आउट परफॉर्म करेंगे, और ऐसे सारे सेक्टर्स जो उसके हिसाब से अंडर परफॉर्म करेंगे वो उन्हें अंडरवेट कर देगा। अब देखिए, फंड मैनेजर इंसान है और इससे गलती हो सकती है। अब इस गलती के रिस्क को बोला जाता है एक्टिव रिस्क। तो अगर आप एक एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करते हो तो जान लीजिए कि वो एक इंडेक्स फंड से और ज्यादा रिस्की होती है। अब आइडिया ये है कि आपको कमोडिटी फंड्स के थ्रू अलग अलग कमोडिटीज की तरफ एक्सपोजर मेंटेन करने का एक तरीका मिलता है। अब यहाँ पर एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज एग्जिस्ट करता है डाइवर्सिफिकेशन के रूप में। डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपकी जो रिस्क है वो अलग अलग कमोडिटीज के अक्रॉस स्प्रेड आउट हो जाती है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप चाहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशंस लेने की, अगर आपको लगता है 2 या 3 कमोडिटीज के बारे में कि इनकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो आप कमोडिटीज फंड में नहीं कर सकते। एट एनी गिवन टाइम आप 20 से 25 अलग अलग कमोडिटीज के अक्रॉस स्प्रेड आउट रहोगे। एनीवे, आपने किसी कमोडिटी में इन्वेस्ट किया है? अगर किया है तो कमेंट करके हमें बताइए। और अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.